देखिए गाइस बहुत ही अंधेरा है और जाना तो पड़ेगा ही। मैंने टॉर्च जगा रखी है, जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हो रहा है अंधेरे में लाइट वीडियो बनाना, तो फिर भी मैं चलो बना रही हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही बारिश हो रही है, अभी आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बहुत ज़्यादा बारिश है। लोगों के घर में लाइट है लेकिन हमारे घर लाइट नहीं है, लाइट जा चुकी है, शायद तार वगैरह ही ली होगी कोई। अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ये देखिए गाइस हम जा रहे हैं, देखो कर दिए गेट बंद मैंने, देखो रास्ता अंधेरा बिल्कुल। लोगों के घर में लाइट है, हमारी नहीं है, जो इन्वर्टर से है वही है, जो आगे पीछे की है वो लाइटें जा चुकी हैं। देखो एक ही है, देखिए ये भी निकालना पड़ेगा, दो दिन तो गेट ही है, पशुओं के लिए लगा रखे हैं, पशु अंदर घुस जाते हैं ना, जो लगाया होता है क्यारियों में उसको खा जाते हैं। अंधेरा बिल्कुल, आवाज लगा दी भैंस ने, नहीं देखिए गाइस अब हम अंदर जाएंगे। ये देखो ये मेरी तरफ देख रहे हैं कि आगे अब हम दूध की बाल्टियां उठाएंगे और पानी वगैरह गर्म उसमें भरेंगे जितना गीजर में होगा। देखिए बारिश का बहुत बुरा हाल है, देखिए टप 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 अभी भी बारिश
चालू ही है, नहीं बंद नहीं हो रही है, क्या करें। देखिए दो बाल्टे हैं, देखो मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने वीडियो लेके आए। और इस बार पानी भर रहे हैं, ये भैंसों के लिए ले जाते हैं हम खाने के लिए। इतना सारा सामान ले जाना सुबह बहुत मुश्किल है। दो बाल्टियाँ, दो तसले, एक ये बाल्टी, ऊपर से टॉर्च, ऊपर से छतरी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसमें देखते हैं पानी भरते हैं, अगर होगा गीजर में गर्म तो नहीं तो फिर गैस से करना पड़ेगा। खार आप छोटे खा पानी गर्म कर आ ही गया थोड़ा बहुत, गर्म तो थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ठीक है। बच्चों को भी ठंडे पानी से नहीं ऐसे कर सकते हैं तो बहुत ठंड है ना, जैसे हमारे जान होती है वैसे पशुओं में भी होती है ना, तो पशुओं को हम ठंडे पानी से उसके थनों को नहीं धो सकते हैं, गर्म ही करना पड़ता है। इतनी ठंड का मौसम है, ऊपर से गर्म पानी तो ले जाना ही पड़ेगा। पानी में बड़ा ये भी जाता है इससे, देखो पानी भर लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस ये दो तसले हैं और ये बाल्टी, और एक ये बाल्टी और एक अंदर भर रही है बाल्टी वो, और एक छतरी ये, और एक मोबाइल हाथ में टॉर्च, इतने सारी चीज़ें ले जाना कितनी ज़्यादा मुश्किल का काम है। और ऊपर से बारिश हो रही है, सोच सकते हैं आप, पर जाना पड़ता है, कितनी कठिन जिंदगी होती है गांव की। इस बोरियों को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सब कुछ सामान अंदर ही रखना पड़ रहा है, क्या करें। फिर बाद में बात करते हैं आपके साथ। तो गाइस 6:15 हो चुके हैं, मैं जो हूँ पशुशाला से अपने आ गई हूँ वापस, और अब आप हम करेंगे बाकी के काम घर के, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ पशुशाला से, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे सुबह उठ जाते हैं ना तो हमारे सारे ही काम टाइम से हो जाते हैं, अगर हम सुबह उठने में आलस करते हैं तो हमारे कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाते। इसलिए मेरी यही मतलब आप लोगों से विनती है कि बिल्कुल तड़के ही यानी कि सुबह ही उठना चाहिए हमें, और हमारे सारे काम जो है
ठीक ढंग से हो जाते हैं और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और कोई भागम भाग भी नहीं होती। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस टाइम हो रहा है 8 बजे का और मैंने जो है क्लीनिंग कर दी है, ये घर की क्लीनिंग कर दी है और आंगन की क्लीनिंग भी मैंने कर दी है। और सूरज देवता निकल आए हैं आज। ये देखिए अंदर की क्लीनिंग भी मैंने कर दी है, पर लाइट नहीं है अभी। ये देखिए क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, झाड़ू लग गया है पर पोछा नहीं लगाया अभी, लगाएंगे पोछा थोड़ी देर के बाद। और यहाँ किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। ये देखिए किचन भी क्लीन हो चुका है और आंगन भी क्लीन हो चुका है। अब इस दूसरे घर में भी झाड़ू लगाना पड़ेगा, बारिश की वजह से काफ़ी कचरा कचरा हो रखा है पूरे घर में। तो देखते हैं अब झाड़ू लगाते हैं। तो अभी इस वीडियो को कर देती हूँ मैं एंड। पसंद आए तो शेयर लाइक एंड कमेंट करना ज़रूर और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।